बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लुबनाज किचन। आज मैं बना रही हूँ हाफ मून। हाफ मून बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैदा 1 कप, इसकी डो बनाएंगे, बंद गोभी चॉप की हुई, शिमला मिर्च 1 चॉप की हुई, गाजर 1, सब्ज़ मिर्च 1 छोटा, प्याज और सब्ज़ प्याज ये भी चॉप किया हुआ, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। डो बनाने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच ऑयल, 1/4 चम्मच ये नीम गरम दूध है, इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। देखिए डो को अच्छा सा मैंने गूंद लिया, अब हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसे कवर करके फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रखना। जब तक डो राइस होने के लिए रखी है, हम इसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज को बस 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इसके अंदर बंद गोभी, गाजर, अब इन्हें भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च, चिली सॉस,
इसको अच्छा सा खुश कर लेंगे। देखिए इसका पानी खुश हो रहा है, जैसे इसका पानी खुश होगा फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, फ्लेम ऑफ कर दिया। मटेरियल ठंडा हो गया है और डो भी हमारी तैयार हो गई है, अब हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए डो को हाफ कर लिया मैंने और दो पेड़े बना लिए। अब हम इन्हें बेल लेंगे, थोड़ा सा इसके साथ मैदा लगा के इनको बड़ी सी रोटी इसकी बेल लेंगे। रोटी हमने बेल ली है, अब इसको किसी कटर से या किसी ढक्कन के साथ इसकी हम छोटी छोटी टिकियाँ बनाएंगे। जो कटर लेना है या तो कोई कटर ले लें या कोई प्याली लें जो थोड़ी सी बड़ी हो, अब उससे हम इसको इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह एक और काट लूँगी। इसी तरह मैं बाकी की भी बेल के और इनकी कटिंग कर लूंगी। अब इसका दोबारा फिर पेड़ा बना लेंगे। अब इसी तरह दूसरी रोटी की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये दरमियान में मटेरियल को रखेंगे। और इसे हम उठा के इस तरह जोड़ देंगे। थोड़ा सा यहाँ से इसको बारीक करके आगे को मोड़ दें। ये हमारा हाफ मून फिलिंग हो गई है। अब इसी तरह बाकी की सारी फिलिंग कर लूंगी। हाफ मून की फिलिंग रेडी हो गई है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर फ्राई करेंगे इन्हें। पहले एक साइड से फ्राई करके फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से हो गए हैं, अब इनकी साइड चेंज करेंगे।
फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कितना अच्छा कलर आया इनका। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। जो हमारी रोटी के किनारे बचे थे उसको हमने जाया नहीं किया, उसका हमने नमक पारे बना लिए। देखिए कोई चीज भी जाया नहीं होती। देखिए नमक पारे रेडी हो गए, बहुत ही मजेदार हाफ मून तैयार है। एक दफा ट्राई जरूर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।